हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस रखती हैं, वात, पित्त और कफ। वात होता है जो हमारे पूरे शरीर को मूवमेंट देता है। जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, चाहे बोन के हों, चाहे बॉडी फ्लूइड के मूवमेंट हो, वो सब वात बैलेंस करता है। पित्त होता है जो भी कन्वर्जन होते हैं बॉडी के अंदर, चेंजेस जो होते हैं वो पित्त बैलेंस करता है। और कफ जो होता है जो शरीर को अंदर से प्रोटेक्शन देता है, एक लेयर बनाता है, या जो म्यूकस होता है जो बॉडी का, वो कफ होता है। तो आज हम बात करेंगे जो भी दोष होता है वात के अनुसार, जो भी व्याधि होती है, जो भी डिजीज होती है वात के अकॉर्डिंग, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। अगर आपके शरीर में वात ज़्यादा है तो 5 ऐसी मैं टिप देने वाला हूँ जिससे वात को बैलेंस किया जा सकता है। अगर वात में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे बहुत कॉमन डिजीजेज हैं, अर्थराइटिस होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, ये बहुत कॉमन डिजीजेज हैं। पेन, जितनी भी कंडीशन होगी, जहाँ पे भी पेन होगा वो वात की वजह से होता है। बट अगर आपकी बॉडी में पेन होता है ज़्यादा, तो सिर्फ मेडिसिन अगर आपको काम नहीं कर रही है, तो कुछ बेसिक सी 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, सुबह उठते ही जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, पानी या जो भी आपको पीना है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर अगर आप लेते हैं, हल्का गुनगुना पानी लेकर, आप मुंह में थोड़ा सा नारियल का तेल डालें। नारियल का तेल डाल के मुंह में रखना चाहिए। इसको ऑयल पुलिंग भी कहते हैं और इसको आयुर्वेद में कवल गंडूश भी कहते हैं। कवल गंडूश क्या, अगर आप मुंह में इसको लेते हैं और पूरा भर के रखते हैं इसको, तो ये होता है गंडूश। इसको पूरा मुंह के अंदर भर के रखना चाहिए। हल्का सा ल्यूकवार्म आप इसको कर सकते हैं, हल्का गर्म कर सकते हैं, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखिए, और उसके बाद इसको स्पिट आउट कर दीजिए। अब 5 से 10 मिनट जब आप इसको रखेंगे, तो कंटिन्यूसली जितना भी आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है या ड्राइनेस रहती है, क्योंकि वात में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो आपके मुंह में जितनी भी ड्राइनेस होती है उसको धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू करते हैं, और ये उसके लिए और ज़्यादा बेटर बनाता है। सेकेंड टिप जो आपको फॉलो करनी है कि वात को बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया कि वात में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा रुक्षता आती है, तो वात को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन का मतलब आपको बॉडी में एक जनरल मसाज करना चाहिए। मसाज करने के लिए आप सेसमे ऑयल या फिर तिल का तेल आप हल्का सा गर्म करके उसको पूरे शरीर पर आपको मसाज करनी चाहिए। नहाने से आधा घंटा पहले आप पूरे शरीर पर इसको मसाज करके अगर थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप ये कर सकते हैं। अगर आप डेली इसके टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन टाइम निकालें कि आप पूरे बॉडी पे ऑयलिंग करें और धूप में थोड़ी देर के लिए बैठें, तो इससे आपकी क्या है, बॉडी के अंदर विटामिन डी जो डेफिशिएंसी है उसके लिए भी बेटर होगा, प्लस वात को भी बैलेंस करेगा। और अगर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, तो नहाने से पहले 5 मिनट थोड़ा सा फटाफट ऑयल लगा सकते हैं, मसाज करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करें। एक तो वात को बैलेंस करेगा, प्लस बॉडी के सर्कुलेशंस को भी बेटर करता है, क्योंकि वात ही है, अगर वो कहीं स्टेग्नेंट होता है या रुकता है तो वात की वजह से ही होता है और वहाँ पे पेन होता है। तो अगर सर्कुलेशन बेटर रहता है तो वात भी ठीक रहता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, एक टर्म होता है जो आयुर्वेद और पंचकर्म में यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं नस्से। नस्से एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू आप नोज़ में, आप नाक में कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डालते हैं। नाक को कहा जाता है कि वो ब्रेन तक पहुँचने तक का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा द्वार है, जिससे आप कोई भी डिजीज़ जो ब्रेन से रिलेटेड है या आपके नर्वस सिस्टम से या सेंसेस से रिलेटेड, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और वात भी बैलेंस रहता है, जो वात पूरे ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में चैनलाइज होता है, तो उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो नस्से एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें सबसे सिंपल तरीका है कि आप गाय का घी दोनों नाक में 2-2 बूंद डेली डाल सकते हैं, या फिर आप डालना चाहें तो शीर वाला 101 या एक ऑयल आप डेली डाल सकते हैं। इसको हम प्रतिमर्श नस्से कहते हैं, जो आप डेली दोनों नाक में 2-2 ड्रॉप डालते हैं। ध्यान ये रखना है कि नस्से करने के बाद आपको नहाना नहीं है एकदम, आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है और सोना नहीं है। इसको ऐसे टाइम डालें कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, तो इसको कोशिश करें मिड टाइम में डालें या सुबह उठने के बाद इसको डालें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथी चीज़ आती है कि स्नेहन करने के लिए अब आपको क्या करना है कि बॉडी के जितने भी ऑरिफिसेस हैं, जितने भी ओपनिंग है, जैसे मुंह, नाक, कान, एनल रूट, नेवल, नाभि, ये जितने भी हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना चाहिए। तो ऑयल लगाने के लिए आप तिल का तेल या गाय का घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर के तलवों पे भी इसको लगा सकते हैं और कान पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वात की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उन्हें बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में रात को जब भी वो सोने जाए तो हमेशा पैर धोएं, अच्छे से हाथ धोने हैं, और पैर के तलवों पर और कान पर
और हाथों पे अच्छे से गाय का घी लगाना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा काम देता है और बहुत अच्छा आपको नींद भी आती है, क्योंकि घी की प्रॉपर्टी होती है वो पित्त और वात दोनों को कम करता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी में ड्राइनेस भी कम होती है, प्लस आपके वात बैलेंस होता है, प्लस आपको नींद भी अच्छी आती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इसको फॉलो करना है। पाँचवीं और आखिरी टिप जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपका वात बहुत ज़्यादा बैलेंस है, अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपको पेट क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती है जिससे आपको पेट साफ़ करना पड़ता है, तो ज़्यादातर ये वात की कंडीशन में होता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो रात को आप एक गिलास दूध लें, अगर आपको दूध लेने की आदत नहीं है तो आधे कप दूध से स्टार्ट करें, उसके अंदर एक चम्मच गाय का घी या फिर कैस्टर ऑयल एरंड का तेल उसके अंदर आप डाल के डेली लेना शुरू करें। अगर वो भी आपको काम नहीं करते हैं तो प्योर कैस्टर ऑयल लेना शुरू करें, एरंड का तेल लें, 20 ml टू 50 ml तक आप ये ऑयल ले सकते हैं। आप रोज़ रात को इसको लेना शुरू करें, हल्के गुनगुने पानी या दूध के साथ लें, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसको लगातार फॉलो करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर आके भी मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आयुर्वेद से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू।